तो भाई इमेजिन करो, अगर भाग मिल्खा भाग मूवी में मिल्खा सिंह का नाम ना लिया होता तो वो मूवी कैसी होती? अब काफी लोग बोलेंगे तुषार भाई मतलब दिन में ही लगा ली क्या, या फिर सस्ती वाली लगा ली? भाई ऐसी बात नहीं है, तुषार जब भी लगाता है ना महंगी वाली लगाता है, ठीक है। देखो बात इस टॉपिक पे मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि काफी लोग ना ये गलतियां करते हैं, मतलब ये अब इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं ना तो किसी के साथ ड्यूट करेंगे तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, किसी का डायलॉग चुराएंगे तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, या फिर किसी के गाने पर, किसका कोई सिंगर है लाइक किंग हो गया उसके गाने पर सब लोगों ने रील्स वगैरह बनाई तो उसको मेंशन नहीं किया। अब काफी लोग ये बोलेंगे भाई तक ज्ञान मत पहले हमें, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये मत बता, ठीक है। तो भाई मैं आपके फायदे की ही बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम्स इंस्टाग्राम के, अगर आप किसी का जो किसी की रील्स वायरल हो रही है ना, अगर उसका फेस या फिर उसका जो अकाउंट है वो आप अपनी रील्स पर मेंशन या फिर किसी तरीके से अपनी रील्स पर लेके आ जाओगे तो आपकी रील्स वायरल होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं तो इसलिए भाई मैं आप लोगों को बात बिल्कुल साइड में रखता हूं, बट हां ये चीज होती है। टिकटॉक पे ये सीन था, अगर आप कोई बंदा फेमस हो रहा है उसका फेस आप अपने टिकटॉक में लिया है तो एल्गोरिथम्स को लगता है कि भाई इसी बंदे ने लाइक फैजू की एक रील्स वायरल हो रही है, आपने फैजू का फेस अपने रील्स पर लेके आ गए, ठीक है ना, तो एल्गोरिथम्स को लगता है कि भाई फैजू ने एक नई और रील्स डाल दी क्योंकि वो फेस मतलब बिल्कुल डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो इसकी ये एल्गोरिथम्स होता है बहुत अंदर तक के, ये कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फायदा होता है मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा रखो, ठीक है। बट यार क्या होता है ना काफी लोग ना मेंशन, काफी लोगों को मेंशन करना नहीं आता सही तरीके से। आप जब रील्स देखते हो ना तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 people, 2 people, 1 people, काफी लोगों को करना नहीं आता। काफी लोग मुझको इंस्टाग्राम पर डीएम भी करते हैं तुषार भाई मेंशन कैसे करें, तो मैं उनको तो बता देता हूं। तो यहाँ पर आजकल मेरे पास कल 2-3 मैसेज आ गए तो मैंने सोचा भाई आज मेरे पे कोई अच्छा खासा कंटेंट भी नहीं है तो इस टॉपिक पर मैं आपको आपके लिए रील्स मतलब सॉरी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो जो बंदा मेरे से प्यार करता है ना, मतलब मेरे YouTube से नहीं मुझसे प्यार करता है भाई, वो मेरे जाके इंटरव्यू देख के आओ। मैंने इंटरव्यू दिया था तो वो आउट हो चुका है, मतलब आउट वाला नहीं हो चुका है, वो बिल्कुल आ चुका है यहाँ पर पब्लिकली। तो भाई एक बार जाके देख के आओ और इस इंटरव्यू के नीचे कॉमेंट करो, मैं सारे कॉमेंट रीड कर रहा हूँ, जिसका अच्छा कॉमेंट लगा सबके रिप्लाई करूंगा, सबके लाइक करूंगा। जाके वहाँ पर भाई इंटरव्यू पे लिखो, अच्छे प्यारे प्यारे से लिखो ताकि तुम्हारे भाई के और इंटरव्यू आते रहे, ठीक है। और मैंने काफी राज भी खोले उसमें, ठीक है ना, वैसे ये तो नहीं बताने का बट काफी राज खोलने वाले गर्लफ्रेंड, हाँ ठीक है ना। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस देखो अगर आपको मेंशन करना है तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, बहुत सिंपल से तरीके हैं, ठीक है। सही तरीके क्या है मेंशन करने के, वैसे एक ही तरीका है बट वही सही है क्योंकि भाई इंस्टाग्राम ने एक तरीका दे रखा है वही सही होगा, ठीक है। तो भाई देखो आपको करना क्या है, सपोज आपको रील्स अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल लास्ट में चले जाना जहां पर आप कैप्शन लिखते हो, जहां पर आप हैशटैग्स लिखते हो, ठीक है ना। तो कैप्शन हैशटैग पे तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बोर कर रखा है, अभी आज बोर नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको नीचे जाना है टैग पीपल पे, तो जैसे आप टैग पीपल पे जाओगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, लाइक अगर आपने किसी का ड्यूट किया है, ठीक है ना, लाइक आपने मिस्टर फैजू के साथ ड्यूट करा है, ठीक है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो यहां पर सर्च करके, ठीक है। और कितने किस आपको आपके जैसे आपने कभी अपने ग्रुप में यहां पर ग्रुप में रील्स बनाई है, आप एक काफी दोस्त यार है तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हो, उससे फायदा होता है। इंस्टाग्राम को लगता है, रील्स को लगता है प्रॉपर बंदे ने प्रॉपर एक रील्स अपलोड करी है, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा भाई ये तो हो गया एक तरीका। उसके बाद आप बोलोगे चलो भाई हमने बहुत पहले गलती कर दी, नहीं करी यार, टेक्निकल तुषार भी जिंदा है, तुम्हें तुम्हारी गलती ना, तुम गलतियां करते रहो और मैं सुधारता रहूंगा, मेरा काम यही है भाई, ठीक है। तो अगर आपने गलती कर दी तो उसका भी सोल्यूशन है, आप जाओ अपनी पुरानी रील्स में, उसके बाद यहाँ पर 3 dots पर जाना, एडिट में जाना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर टैग पीपल का, तो आप अभी भी टैग कर सकते हो तो वो मेंशन हो जाएगा। और भाई सबसे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मुझे, ठीक है। और यार देखो काफी लोगों के मन में ना एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जब हम किसी के साथ ड्यूट कर रहे हैं ना तो भाई ऑलरेडी वो तो मेंशन हो चुका है, मतलब उसके पास नोटिफिकेशन जा चुकी है, अगर उसको अपनी स्टोरी पे लगाना होगा, उसको कुछ कमेंट करना होगा तो कर सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों की बात मानता हूं बट मैं अंदर पे जाता हूं ना, बिल्कुल अंदर घुस जाता हूं, मतलब यार तुम यहाँ पर सेटिंग वेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मैं यहाँ पर मैंने ये चीज़ लगाई पता लगाई है, जब हम किसी का ड्यूट करते हैं उसके बाद नोटिफिकेशन जाती है तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, अकॉर्डिंग टू जब आप किसी को मेंशन करोगे वो चीज़ हाईलाइट होगी, जब आप किसी को मेंशन करोगे ना, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया टैग पीपल वाला, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, उसके एक तो यहाँ पर जो टैग वाला सेक्शन होता है वहाँ पर पहुँच जाएगा, दूसरी बात यहाँ पर उसको अच्छे से इंस्टाग्राम अच्छे से मेंशन करवाएगा, ठीक है, तो उसको उसकी ज़्यादा नज़र पड़ जाती है। भाई जाहिर सी बात है तुम किसी साथ ड्यूट कर रहे हो, वो बंदा फेमस है, उसके पास तो भाई इतने लोग ड्यूट कर रहे हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देगा, बट जब आप उसको टैग करोगे ना तो भाई काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज करना पॉसिबल है, वो आपको क्या पता स्टोरी पर मेंशन कर दे, एक बार स्टोरी पर मेंशन कर दिया तो बल्ले बल्ले तुम्हें तो टेक्निकल तुषार तुम्हारे भाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं भाई जरूरत ना पड़े ना तो भाई इंटरव्यू देख के आ जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। और जिसको इंटरव्यू लेना ना मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ, या फिर भाई यूट्यूब पर वीडियो बनाओ तो हम टेक्निकल तुषार का इंटरव्यू लेना चाहता आ जाऊंगा, तुम्हारा भाई सब है, ठीक है ना। इंटरव्यू देने बड़ा मजा आता है मुझे, ठीक है। इस यार रात छोड़ के ना कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह मेरा प्यार के, और फिर मिलेंगे चलते चलते।